देखिए, जब किसी रिश्ते में खटास आ जाए ना, तो उस रिश्ते को एकदम नकारने से पहले एक चांस और देना चाहिए, जैसे कि हमारी अनुपमा दे रही है। जी हाँ, लाइफ में इतनी टेंशन हुई, इतना बवाल हुआ, और उस टेंशन से निकलने के लिए लीजिए हर कोई जा रहा है वनराज की नानी के घर। हो सकता है इसके साथ वो जो राहें इन लोगों की अलग हो रही थी फिर से आगे जाके मुड़ जाए। अनुपमा जो अपनी जिंदगी में हंसना भूल ही गई थी, आज उसके चेहरे को देखिए, अपने पति के साथ है, अपने पूरे परिवार के साथ है, तो चेहरे पर कितनी रौनक है। अब वो भी जानती है कि पति का प्यार और परिवार का साथ क्या होता है, लेकिन अब जो हुआ उस पर उसका भी तो बस नहीं है। आपको लग रहा है ऐसी धूप में कि हम लोग धूप सेकने निकले हैं? यहाँ सेकने के अलावा सब कुछ हो रहा है, इतनी खतरनाक धूप है। एक्चुअली हमारे ना, मैं अभी बात से अल्पना से यही बोल रहा था कि हमारे ना एक बहुत फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही कमाल की हमारी वो है, क्या बोलना चाहिए, एक एबिलिटी है कि हम लोग पूरे विंटर सीजन में यहाँ पे नहीं आए। जब धूप पूरी कड़क हो चुकी है, फुल गर्मी हो चुकी है, तब हम लोग यहाँ पे शूट करने आए हैं। और आज सुबह से जो हमारा यहाँ पे हुआ है काम, बहुत अच्छी धूप से किया आज। और ये बात वनराज भी अच्छे से समझ गया है। जब भी वनराज को जरूरत पड़ती है, अनुपमा ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। अब जैसे गाड़ी दो पहियों पर नहीं चल सकती है, ठीक वैसे ही जिंदगी की गाड़ी भी दो पहियों पर नहीं चल सकती है। पति पत्नी को एक दूसरे का साथ लगता ही है, ये अब वनराज भी समझ रहा है। जब गाड़ी का पहिया वो अकेले ना लगा पाया, लेकिन हाँ, जब अनुपमा ने उसका साथ दिया तो देखिए काम कैसे झटपट हो गया। हम लोग जा रहे हैं गांधीनगर मेरी नानी के यहाँ, क्योंकि बा इमोशनल होनी थी, उनको अपनी माँ की याद आ रही थी, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, एक ही दिन के लिए जा रहे हैं। और जाते जाते रास्ते में मस्ती करते करते आ रहे थे, तभी अचानक टायर पंक्चर हो गया, तो हम लोग ये ढाबे पे रुक गए चाय वाय पीने के लिए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर शाह परिवार जा कहाँ रहा है। दरअसल बा को अपनी माँ की याद आ रही है, इसीलिए ये पूरा परिवार मिलकर गांधीनगर जा रहा है। ये पूरे परिवार का गांधीनगर जाना इन सब के लिए एक अच्छा ब्रेक साबित हुआ है, वनराज और अनुपमा के लिए। A very very beautiful family moment between all of them, जो हमारी कोर फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मामा है और अनुपमा है साथ में, तो हम लोग का जो एक बॉन्ड है वो देखने को मिलेगा ऑडियंस को। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।